हेलो साथियों, नमस्कार। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को मिड आफ्टरनून। और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ यार, हम लोग जो है कंस्ट्रक्शन साइट पर कॉलम पिट्स एक्सकेवेशन का काम करते हैं। ये जो स्टेप आता, देखो, फर्स्ट मार्कआउट कर रहा था। मार्कआउट होने के बाद जो है सेंटर लाइन प्लान हो वो सब को जो है ना आप लोगों को एक फिक्स्ड मार्किंग कर लेना पड़ता है। ओके, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉपिक्स जो कवर हो रहा है। ये एक रहता है आपको सेंटर लाइन प्लान ज़रूरी क्यों है, फिर उसके बाद उसको फिक्सिंग कैसे करते हैं। ओके, हर एक दीवार पे, उधर एक दीवार आ रहा, वहाँ पे वो दीवार है, यहाँ पर दीवार है, बिल्कुल यहाँ पे पेंट से जो है ना फिक्स किया गया। ओके, एंड नेक्स्ट ये इसको कितना दिन चाहिए। अगर आपके घर के अंदर कॉलम पिट्स 12 नंबर ऑफ कॉलम पिट्स आ रहे हैं, फिर उसके साथ जो है ना सेपी टैंक भी आपको एक्सकेवेट करना है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट कितना पैसा चाहिए और कितना दिन चाहिए। एंड हाँ, यही मैं बताना चाह रहा था। सो मैं आपको कॉलम पिट्स का जो है फर्स्ट प्लान दिखाता हूँ घर का। ओके, G+1 है ये प्रोजेक्ट, और पिट का साइज़ क्या है, डेप्थ कितना लिया गया, सेंटर लाइन प्लान, फिर उसके बाद यहाँ पर आता है फुटिंग का प्लान। सब कुछ देख लीजिएगा आपको, और बने रहिए वीडियो को अंत तक। मेरा एक इंटेंशन, मेन इंटेंशन है ये वीडियोज़ बनाने का। हर कोई एक नया घर कंस्ट्रक्शन करते, देखो उनको एक प्रॉब्लम होता है कैसे शुरू करना, कहाँ पे क्या गलतियाँ होता है, और अगर इस घर रिलेटेड मैं कुछ भूल गया समझो, वो आपको मैं बताऊंगा, तो इन फ्यूचर में आपको भी एक याद रहता है क्या, किस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। बिकॉज क्रोर्स टुगेदर घर कंस्ट्रक्शन के लिए ना क्रोर्स टुगेदर पैसा खर्च होता है। एक तो प्लॉट लेना 40 लाख यहाँ पर फिलहाल मार्केट में चल रहा है रेट इस जगह का, 40 लाख रुपए को खाली 1200 स्क्वायर फीट, 30x40। घर कंस्ट्रक्शन अगर सिंगल फ्लोर रहा तो मिनिमम 25 लाख चाहिए, और G+1 रहा तो एक 5 लाख रुपए कम होता है। बिकॉज ये एक्सकेवेशन, बैकफिलिंग, कंक्रीट प्लस वो सब थोड़ा सा कम रेट चलता है। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ, फर्स्ट प्लान दिखाता हूँ, प्लान के बाद नेक्स्ट प्रोसेस देख लीजिएगा। तो साथियों, ये जो है ना प्लान है इस घर का जो प्लान है, मैं इसका पीडीएफ फाइल नहीं, एक क्लियर वीडियो बनाया, ये रफली आप लोग देख लीजिएगा। टोटल 12 नंबर ऑफ कॉलम्स है इसके अंदर। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आता है इसका फर्स्ट फ्लोर का प्लान है। ओके, यहाँ पर दो बेडरूम आ रहा, एक लग्जरियस बेडरूम, एक स्मॉल मीडियम साइज बेडरूम, ओपन आता है, मतलब इस घर का जो है छत कम है। एंड ये सेंटर लाइन प्लान है। फिर उसके बाद आता मेन, ये वाला फुटिंग प्लान। अकॉर्डिंग टू फुटिंग प्लान के हिसाब से जो है ना एक्सकेवेशन का काम शुरू हो चुका था। यहाँ पर देखिएगा, ये वाला जो देख रहे हैं ना आप लोग, ये वाला जो देख रहे हैं ना फुटिंग प्लान है। अकॉर्डिंग टू इसके हिसाब से हम लोग एक्सकेवेशन कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ आपको कौन सा कॉलम दिखाई दे रहा है, ये वाला कॉलम दिखाई दे रहा, फिर उसके बाद ये वाला बीच में, और वो एक। सो वो जो है ना ये इस तरह से है, इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ इसका खर्चा कितना होता है, कितना दिन चाहिए इसको। तो भाई साहब देखो, आप लोगों को अगर आप 9 वर्कर्स लाए समझो, 9 नंबर ऑफ लेबर्स लाए आपके इस साइट के लिए, तो आप एक दिन में एक पिट खोद सकते हैं इस सॉइल के हिसाब से। एक दिन में जो है ना 9 लेबर अगर आप लगाए समझो, तो एक दिन में 3 पिट खुदाई कर सकते हैं। एंड तो इसको 12 के लिए जो है multiply by 4, सो 4 दिन आपको आराम से, प्लस आप सेपरेट टैंक और सम्प, आप सेपरेट टैंक खोद लीजिएगा, सम्प चाहे आप बाद में भी खोद सकते हैं। ओके, तो पैसा कितना चाहिए एक वर्कर, एक पिट को जो है ना फिलहाल यहाँ पर 1500 से 2000 रुपये चल रहा है, वो डिपेंड रहता है वर्कर्स के हिसाब से। कहीं जगह पे सॉफ्ट सॉइल रहता है, कम तो लेते हैं, ज़्यादा तो लेते हैं, डिपेंड रहेगा उनके ऊपर। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ जो सेपरेट टैंक और ये जो ये वाला है, देखो ये पिट्स क्यों एक ही बार खोदना, बिकॉज आपका कॉलम जो है सेपरेट टैंक के पास आता, तो इसलिए जो है सेपरेट टैंक और ये सेपरेट टैंक देख रहे हैं ना, इसलिए जो है आपको एक साथ खुदाई करना। अब मार्किंग क्यों रख लेना चाहिए, ओके, हम चुन्ना जिस दिन डालते, देखो ये वाला देख रहे हैं ना सेपरेट टैंक है, सेपरेट टैंक के अंदर कॉलम का फुटिंग आता वो भी आता, तो इसलिए एक साथ ये खोदना और PCC बेड भी एक साथ डालना। अगर हो सका तो ये जो सम्प रहता, देखो सम्प भी आप एक साथ खोद सकते हैं, बट मिट्टी बहुत आने की वजह से दिक्कत होता। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, उधर जो है मार्किंग है, फिक्स्ड पॉइंट क्यों रहना चाहिए वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो भाई साहब आप लोग देख रहे हैं, देखो एक छोटा सा किला है यहाँ पर,
ये जो है ना, जिस दिन हम मार्किंग करें देखो, उस दिन इधर हमारा एग्जैक्ट एंड पॉइंट, ये बाउंड्री पॉइंट है, इससे बाहर आप नहीं जाना कभी भी। ये एंड पॉइंट है, 9 मीटर यहाँ तक आ रहा, ये किला है। उसके बाद नेक्स्ट आता सेंटर लाइन प्लान। तो जिस दिन मार्कआउट रहता देखो, उस दिन आप लोगों को बहुत आसानी से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। वो जो मैं उंगली रखा था वो वाला था। एंड यहाँ पर और एक मैं बताना चाहता हूँ, ये देखो दोस्तों, और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला, ये येलो कलर का, ये भी किला है, बम्बई किला इसको ही बोलते हैं। बम्बई किले का क्यों ज़रूरत है आप मालूम हो? अब ये देखो, मिट्टी वो सब डालने के बाद छुप जाता था, तो उसकी वजह से क्या किया हूँ, एक वाइट रस्सी रहता, वो वाइट रस्सी से मैं बांध लिया। तो अगर या इसको छुप भी गया समझो, इसकी मदद से जो है ना आप इसको निकाल सकते हैं इसको, ओके। और फिर आपको बताना चाहता हूँ, ये इधर ना थोड़ा सा जेसीबी का वर्क हुआ था, उसकी वजह से ऐसा हुआ, नहीं तो आपको और क्लियर अच्छा आता था। इधर जेसीबी से एक्सकर्शन किया गया, इसलिए ऐसे हुआ। फिर उसके बाद यहाँ हर जगह एक पॉइंट डाले थे, और ड्यू टू सम रीज़न की वजह से गया समझो, दूसरा साइड पे नहीं जाता था। एंड यहाँ पर दूसरा आपको मैं बताना चाहता हूँ, इधर भी देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सेंटर लाइन जो है उस दिन पेंट से मार किए बोल के ये बच गया, ओके। इसीलिए जिस दिन फुटिंग का प्लान रहता देखो, उस दिन जो है ना एग्जैक्ट। एंड यहाँ पे देखो, ये धागा देख रहे हैं आप लोग, ये धागे की वजह से किला आपको मिल जाता है। यहाँ पे किला है, ओके, ये सेंट्रिंग का किला है, इसलिए ये आपको मिल जाता है। इसको मैं बांध को रखा था, ये पॉइंट से लेके उसका सेंटर लाइन आपको आसानी से मिल जाता। तो एक्सकेवेशन ख़राब हुए तो भी, ये चुना सब गया तो भी आप दोबारा मार्किंग कर सकते हैं। फिर दूसरा चीज़, वहाँ पे भी वो जो वो देख रहे हैं उसके नीचे और एक येलो पॉइंट है। दूसरा चीज़ जो है ना, यहाँ पे भी देखिए, ये येलो मार्किंग यहाँ पर उस दिन जो है ऐसा पूरा फिक्सिंग करे थे हम, इसीलिए ये वाला ज़रूरी है। तो आपको भी एक आइडिया मिलता ना दोस्तों, जिस दिन आप लोग मार्किंग करते देखो, ये ज़रूर काम कर लीजिएगा। आपको सेंटरिंग जो कॉलम बिठाते देखो, उस दिन बहुत हेल्पफुल हो जाता। वहाँ पे भी येलो पॉइंट है। एंड इधर कोने में देखिएगा, अगर आप जेसीबी से एक्सकवेशन करें उस वक्त जो है ना आप लोगों को प्रॉब्लम होता, कहाँ पे आपका पॉइंटिंग है या फिर कहाँ पे कितना एक्सकवेशन करना, तो अगर आप वो जो पॉइंटिंग देखें तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि इधर कितना जगह से आप लोग एक्सकवेट कर सकते बोल के, ठीक है। वहाँ पे भी एक पॉइंट है, इधर एक पॉइंट, वहाँ से 2 फीट और इधर से 2 फीट, उसके हिसाब से जो ना फिर बाद में फिनिशिंग किया गया। वो वाला नहीं, ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया था। यहाँ पे भी सेम, इस वाले कोने में भी, ओके। अब नेक्स्ट आता है ये पिट का साइज़ क्या रहे ना, वो डिपेंड रहता है अकॉर्डिंग टू इंजीनियर के हिसाब से। जैसा मैं एक एज ए इंजीनियर डिपेंड सॉइल का स्ट्रेटा उस पर डिपेंड रहता है। ऐसा जो है ना 4 फीट, ऐसा 4 फीट, डेप्थ भी 4 फीट लिया गया, काफ़ी हार्ड स्ट्रेटा है। देखिएगा वहाँ से हार्ड शुरू हो चुका है, सो ऐसा है। एंड कॉलम का साइज़ 9x15 इंच। सो वर्स, और आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो बता दीजिएगा। खर्चे की बात करें तो मैं आपको एक ओवरव्यू, ओवरऑल व्यू दिखाना चाहता हूँ इस घर रिलेटेड। यहाँ पर देखिए पूरा फुल व्यू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वहाँ पर एक 10 11 12 कॉलम कॉर्नर की तरफ से। ये ओवरव्यू कॉलम्स, आज जो है ये पूरा काम हो रहा है स्टेप बाय स्टेप, एक एक कॉलम का सब हो चुका है ऑलमोस्ट। और एक सो लगभग ये तीसरा दिन है, चौथा दिन जो है ऑलमोस्ट पूरा हो जाएगा। सो लगभग आपको 5 दिन तक आराम से चाहिए, इसके लिए एक सेपरेट टाइम देना पड़ेगा। एंड मटेरियल डंपिंग आप पूरा एक साथ मत लीजिएगा। ये देखो, ये यहाँ का ही सॉइल है, सिर्फ इस ज़मीन का सॉइल है, ये सब जितना भी आप लोग देख रहे देखो, ये ज़मीन का सॉइल है। सो चुप आप लोग क्या करते हैं, कंकर हो रेत हो, चुप कम रेट में मिल रहा है बल्कि एक साथ डंप कर दे, आपके पास जगह नहीं है समझो, डंप ज़रूर मत नहीं, डंप नहीं करना चाहिए। जिस दिन बेसमेंट का काम ख़त्म होता देखो, तब आपको ये पूरा क्लीन हो जाता है, पूरा फुल क्लीन हो जाता है, उस दिन आप लोगों को जगह मिल जाता, ओके। दैट्स इट। इनका जो लेबर चार्ज मैं बताना चाहता हूँ, इनको पर पिट 2000 दिया गया था, 12 to 24,000 हो जाता, प्लस सेप्टिक टैंक का अलग रहता, सम का अलग रहता, फिर एक कॉलम टू कॉलम पाया रहता देखो, इसका सब अलग रहता है। धन्यवाद।